पठानकोट के थाना डिवीजन नंबर 2 के थाना मुखी दविंद्र प्रकाश को गुप्त सूचना मिली कि चेन स्नेचिंग एवं चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले व्यक्ति इसी इलाके में घूम रहे हैं और उनकी तरफ से नाका लगाकर 2 व्यक्तियों को काबू किया गया है। पुलिस ने पकड़ गए चोरों से 2 सोने की चेन, 8 सोने की बालियां और 5 मोबाइल समेत 40,000 रुपया नगद, एक स्कूटी भी बरामद की है। वृद्ध माता देखनी इन्होंने ओदी वाली ला के भज जाना जां किसी बंदे दा मोबाइल सुनदे आ खो के भज जाना जां चैनी उतार के भज जानी, ये पिछले काफ़ी लंबे समय तो ना अपने 2-4 महीने तो चल रहा सीगा प्रोसैस और आपां पिछे लगे हुए सीगे इन्हां दे। लेकिन परसों जदों इन्होंने 2-3 स्नैचिंगां इकट्ठियां कर लईआं, एक राम शरणम करवाउणी ते एक दूसरी लक्ष्मी नारायण मंदिर लागे भदरोए, उस तों बाद फिर अपने SHO डिवीजन नंबर 2 उन्होंने नाल सीगे थानेदार ASI गुरिंदर पड्डा, इन्होंने उस इलाके की नाकाबंदी की हुई सी। फिर इन्हें सूचना मिली है कि वह बंदे जड़े ने इस इलाके में घूम रहे हैं शकी, जो इन्होंने फिर काबू किए ने तो उन्होंने अपनी वारदातें जी सारे मान लिया ने, जिन्हों को आप 8 वालियाँ, 2 चैना, 5 मोबाइल बरामद किए ने, जिसे वारदात वरती हुई एक आप स्कूटरी कह सकते जिन्हें ड्यूरो और सैकेंडली एक मोटरसाइकिल वो भी आप बरामद किया। पठानकोट से अनिल भारद्वाज, अलर्ट इंडिया न्यूज़, ब्यूरो रिपोर्ट।